अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मान फ्रॉम नेक्स्ट टेक फाइंडर। तो दोस्तों यहाँ पर वीवो ने अपने एक मॉडल का प्राइस कम कर दिया है और सैमसंग ने भी अपने कुछ मॉडल के प्राइस कम कर दिए हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास इनफ्लिक्स नोट 10 प्रो भी आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बताएंगे वीवो का कौन सा मॉडल है जिसके प्राइस कम हुए हैं और सैमसंग का कौन सा मॉडल है जिसके प्राइस कम हुए हैं। तो व्यूअर यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग का पहला मॉडल आता है सैमसंग S21 अल्ट्रा। इसके पहले जो प्राइस चल रहे थे 2,29,999 इसके पहले प्राइस चल रहे थे, अब इसके प्राइस कम हो गए हैं। अब जो इसके न्यू प्राइस हैं 2,16,999 कर दिए गए हैं। सैमसंग S21 अल्ट्रा के अब प्राइस कम हो गए हैं। इस तरह सैमसंग का अगला मॉडल सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस, इसके जो पहले प्राइस थे 1,95,000 इसके पहले प्राइस चले थे, अब इसके प्राइस कम हो गए हैं। अब न्यू प्राइस 1,85,000 इसके प्राइस कर देंगे हैं, 1,85,000 इसके प्राइस कर देंगे हैं। सैमसंग का अगला मॉडल सैमसंग गैलेक्सी S21, इसके भी अब प्राइस कम हो गए हैं। पहले प्राइस थे इसके 1,70,000, अब जो इसके न्यू प्राइस कर दिए गए हैं 1,50,000 कर दिए गए हैं। जी हाँ, इसके प्राइस कम हो गए हैं। ये थे सैमसंग के मॉडल जिनके प्राइस कम हो गए हैं। इसी तरह वीवो का एक मॉडल है वीवो Y51S, इसके भी अब प्राइस कम हो गए हैं। पहले जो इसके प्राइस थे वो 40,000 थे, अब इसके आप प्राइस में कमी कर दी गई है। अब इसके जो न्यू प्राइस है वो 38,000 कर दिए गए हैं। भले ये फ़ोन आपको 38,000 से भी नीचे मिलेगा, 35,000 तक का ये फ़ोन इजीली मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी इन्फिनिक्स का न्यू मॉडल इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। बहुत जल्द हमारे चैनल पर इसकी अनबॉक्सिंग आने वाली है। यहाँ पर आपको इसके अंदर 256 GB बिल्ट इन मेमोरी मिल रही है, 8 GB रैम मिल रही है और कमाल है। यहाँ पर अगर इसके चिपसेट की बात करें तो आपको हीलियो G95 इसके अंदर चिपसेट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइस आप मुझे गेस करके बताएं इसके क्या प्राइस होंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके प्राइस क्या हैं। तो व्यूअर ये थी आज की हमारी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।